अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और हम जा रहे हैं काला पत्थर बीच। यहाँ का सनराइज बहुत फेमस है वो देखने के लिए। सो फाइनली हम एक स्पॉट पे पहुंच गए हैं जहाँ से हमें बिल्कुल नहीं पता लग रहा अभी कि ये काला पत्थर बीच का एक्सेस यहाँ से है कि नहीं। स्कूटी बाहर जंगल की साइड लगा दी है, देखते हैं यही है वो स्पॉट कि नहीं। ये काला पत्थर बीच तो है बट दिस इज नॉट द फेमस सनराइज पॉइंट वी आर लुकिंग फॉर। गूगल मैप्स में आपको काला पत्थर बीच के नाम से 3 पॉइंट्स मिलेंगे जिसमें से काला पत्थर सनराइज पॉइंट इज द करेक्ट वन। पहले हम गलत पॉइंट पे आ गए थे बट नाउ वी हैव फाइनली रीच एक्चुअल काला पत्थर बीच। और यहाँ काला पत्थर बीच का एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिससे हम श्योर हो गए कि यही एग्जैक्ट पॉइंट है। काला पत्थर बीच इज नेम्ड आफ्टर द ब्लैक रॉक्स बट अब आपको यहाँ ऐसे रॉक्स कम ही देखने को मिलेंगे। ये बीच सनराइज पॉइंट के लिए बहुत फेमस है और बाय 5:30 टू 5:40 यहाँ सनराइज हो जाता है। सुबह के वक्त यहाँ ज्यादा क्राउड भी नहीं होता और ये बीच बहुत ही शांत और खूबसूरत लगता है। हैवलॉक के बाद अब हम जा रहे हैं एक और आइलैंड को एक्सप्लोर करने जिसका नाम है नील आइलैंड। हैवलॉक से नील तक जाने के लिए हमने बुक करी मैक्रूज फेरी जो कि मिलेगी हैवलॉक जेटी से, एंड हमारे होटल से जेटी तक कैब की कॉस्ट हमें पड़ी 200 रुपीज। ये है मैक्रूज का चेक इन काउंटर। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फेरीज के डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्लॉट्स हैं। हैवलॉक से नील के लिए मैक्रूज के 2 टाइम स्लॉट्स हैं, 10 बजे और 2 बजे। एंड वी रिकमेंड कि आप अर्ली मॉर्निंग स्लॉट ही बुक करें इफ़ यू वॉन्ट टू रेंट अ स्कूटी, बिकॉज नील में काफ़ी लिमिटेड स्कूटीज अवेलेबल हैं जो कि फर्स्ट स्लॉट वाले पैसेंजर्स ही बुक कर लेते हैं। हमने आफ्टरनून स्लॉट की फेरी ली थी जिसकी वजह से हमें स्कूटी नहीं मिली एंड हमें भी कार ही हायर करनी पड़ी। हम पहुंच गए हैं नील आइलैंड और हम स्टे करने वाले हैं एक्वास होटल्स एंड रिजॉर्ट्स में। एंटर करते ही सबसे पहले आपको दिखता है पूल और यहाँ की पूल व्यू रूम्स और उसके साथ ही रिसेप्शन एरिया। और ये मैं साक्षी आराम से फोन चलाते हुए क्योंकि चेक इन क्षितिज जी कर रहे हैं। ये प्रॉपर्टी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है जो कि रोड के आमने सामने है। हमारा रूम रिसेप्शन की अपोजिट साइड वाले पार्ट में है। इस पार्ट में भी एंटर करते ही सबसे पहले आता है पूल और एक्वास बार, एंड एक्वास बार के ऊपर है ब्रेकफास्ट एरिया। एंड ये वाला पूल रिसेप्शन के सामने वाले पूल से ज्यादा सुंदर है। देन थोड़ा सा आगे बढ़ते ही स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ के बेसिक रूम्स और हमने भी बेसिक रूम लिया है और हमारा रूम नंबर है 104। चलिए करते हैं रूम का एक टूर। रूम्स के बाद आता है प्रॉपर्टी का ओपन एरिया और यू कैन से किड्स प्ले एरिया जो कि डिफरेंट डिफरेंट स्टैचूज से सजाया गया है। ओह माय गॉड। फिर आता है एक छोटा सा ब्रिज जिसको पार करते ही आपको देखने के लिए मिलेगा प्रॉपर्टी का प्राइवेट बीच जहां आप अपने लव वन के लिए कैंडल लाइट डिनर भी अरेंज करा सकते हैं।
दिस इज द ब्रेकफास्ट एरिया एंड ब्रेकफास्ट एरिया से पूल का एक बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू आता है एंड ये एक ओपन एरिया है जिसकी वजह से यहाँ बहुत सी चिड़ियाँ घूमती रहती हैं और अगर आप अकेले ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और कुछ सामान लेने के लिए उठते हैं तो चिड़िया अपने हिस्से का ब्रेकफास्ट आपको प्लेट से ले जा चुकी होगी। ये रास्ता है नील आइलैंड की वन ऑफ द मोस्ट फेमस डेस्टिनेशन का जो कि है नेचुरल ब्रिज, जिसे लक्ष्मणपुर टू बीच या हावड़ा ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिज से पहले ये है यहाँ की लोकल मार्केट, जहाँ से आप कुछ स्नैक्स, नारियल पानी या अपने लिए सोविनेर भी ले सकते हैं। मार्केट एंड होने के बाद कुछ 4-5 स्टेयर्स उतरते ही आ जाता है एक बड़ा सा एरिया जो कि डेड कोरल से भरा हुआ है, जिसको पार करने के बाद आपको दिखेगा द मोस्ट फेमस नेचुरल ब्रिज। हम आपको अपना ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहेंगे कि जितनी फेमस ये डेस्टिनेशन है और जितना सुंदर इसको वीडियोस में दिखाया जाता है उतना सुंदर हमें ये नहीं लगा, और डेड कोरल्स पे चलकर हमें ऐसी फील आ रही थी कि जैसे सच में हम डेड बॉडीज पे चल रहे हों, और डेड कोरल्स पे छोटे छोटे कीड़े घूमते रहते हैं जिसकी वजह से हमने रास्ते को नीचे बिना देखे ही पार किया। काफ़ी चलने के बाद लास्ट में देखने को मिलता है नेचुरल ब्रिज। ये स्पॉट देखने में काफ़ी सुंदर है और फोटोजेनिक भी है, बट यहाँ तक पहुँचने का रास्ता कुछ खास अच्छा नहीं है। बाकी ये हमारा रिव्यू था, हो सकता है आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट हो। आज की हमारी दूसरी डेस्टिनेशन है लक्ष्मणपुर वन बीच एंड ये है पार्किंग एरिया जहाँ हमारी कैब ने हमें ड्रॉप किया। अब यहाँ से हमें वॉक करते हुए बीच तक जाना है। बीच तक जाने का रास्ता काफ़ी खूबसूरत है एंड ग्रीनरी की वजह से धूप का ज़्यादा एहसास भी नहीं हो रहा है। बीच तक की वॉक लगभग 5-7 मिनट की है एंड लक्ष्मणपुर बीच अपने सनसेट के लिए फेमस है। अगर आपने स्कूटी हायर की है तो बीच तक आपको वॉक करके नहीं आना पड़ेगा, आपको स्कूटी पार्क करने के लिए यहाँ काफ़ी जगह अवेलेबल है। ये है लक्ष्मणपुर बीच 1 का साइन बोर्ड एंड यही है एंट्री पॉइंट बीच के लिए। इस बीच पे किसी भी तरह की वाटर एक्टिविटी नहीं होती एंड जहाँ से समुद्र स्टार्ट होता है वहाँ काफ़ी रॉक्स होने की वजह से ये बीच नहाने के लिए भी फिजेबल नहीं है, बट दिस बीच इज़ परफेक्ट टू रिलैक्स एंड सनसेट देखते हुए चाय पीने का यहाँ मज़ा ही कुछ और है। इतने एग्जॉस्टिंग डे के बाद हमें लग रही थी बहुत तेज भूख और हमारे पास स्कूटी नहीं थी, जिसकी वजह से हम अपने होटल के बराबर वाले रेस्टोरेंट में आ गए जहां साक्षी बार बार बोल रही थी भूख लगी है खाना लाओ, भूख लगी है खाना लाओ। फिर हमने ऑर्डर किया दम आलू और रोटी, जिसमें रोटी ठीक ठीक थी और दम आलू बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और हमें भूखे पेट ही सोने जाना पड़ा। हमारी आज की और इस अंडमान सीरीज की लास्ट डेस्टिनेशन है भरतपुर बीच। ये बीच नील जेटी के एकदम नजदीक है, सो जब भी आप नील से पोर्ट ब्लेयर वापस जा रहे होंगे तो आप इस बीच को कवर करते हुए जेटी जा सकते हैं। बीच से पहले है यहाँ की लोकल मार्केट जहाँ पेड वॉशरूम्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, और ये आ गया भरतपुर बीच का साइन बोर्ड जहाँ से बीच स्टार्ट होता है। यहाँ का पानी बहुत क्लीन है और यहाँ आप वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी इंजॉय कर सकते हैं। ये बीच रिलैक्स करने के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि बीच के किनारे पर काफ़ी ग्रीनरी है। Now it's time to go back to Port Blair. ये है मैक्रूज का चेक-इन काउंटर ऑन नील आइलैंड, जहाँ पे हमने हमारे लगेज के लिए एक रिक्शा हायर किया जो हमारा सामान फेरी तक लेकर जाएगा, जिसके लिए उसने हमसे चार्ज किए 100 रुपीज फॉर 3 बैग्स। ये था हमारा अंडमान सीरीज का लास्ट एपिसोड। आपको हमारी सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, एंड फॉर बुकिंग्स एंड पैकेजेस यू कैन कॉन्टेक्ट केयर ट्रिप।
बाय बाय।